जानकारी। आप होंगी जांच, जो गलत होगा उस पर होगी कार्यवाही। काले धन के मामले में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत को बैंक खातों से जुड़ी पहली जानकारी सौंप दी है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि जो जानकारी मिली है उसमें सभी खाता गैर कानूनी नहीं है। सरकारी एजेंसी अब इस मामले में जांच शुरू करेंगी, जिसमें खाता धारकों के नाम उनके खाते की जानकारी को बटोरा जाएगा और कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत को अगली जानकारी 2020 में सौंपी जाएंगी। साथ ही मिली जानकारी में यह भी पता चला है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने समझौते में शामिल देशों को कुल 31 लाख खातों का विवरण भेजा है। मोदी जिनपिंग शिखर वार्ता 11 को होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमिलनाडु के महाबलीपुर में 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दूसरे इंडो चाइना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को अपराह्न 1:20 में चेन्नई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय तथा व्यापारिक मुद्दा पर वार्ता करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र की विकास योजनाओं में अड़ंगे डाल रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में राय की कांग्रेस सरकार अड़ंगे डाल रही है। इसे लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानियां हो रही है। यह बात डेंगाना के माहेश्वरी भवन में सोमवार को गांधी संकल्प यात्रा का शुभारंभ पर विधानसभा स्तरीय भाजपा की बैठक में बोलते हुए मुख्य अतिथि राजसमंद सांसद दया कुमारी ने कही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।